students, today we are going to read lesson number 2. The sky is falling down. Sky is falling यानी आसमान नीचे गिर रहा है. ये स्टोरी है, कहानी है, इंटरेस्टिंग है, देखना. Children who jump to conclusion before investigating the matter completely has to face embarrassment. यानी किसी चीज को अच्छी तरह जाने बगैर अगर हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं तो हमें परेशानी होती है. तो कहानी शुरू हो रही है. Once upon a time, there lived a rabbit in a jungle. एक बार एक जंगल में खरगोश रहता था. One day the rabbit was sleeping under the shade of a mango tree. तो एक दिन वो खरगोश जो था वो आम के पेड़ की छांव में सो रहा था. It was a beautiful day. वो बहुत ही सुंदर दिन था. The sun was shining and the birds were chirping. जो सूरज था वो चमक रहा था और पंछी जो है वो चहचहा रहे थे. चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाना. Suddenly a gust of strong wind shook the mango tree. गस्ट होता है अचानक से हवा का आ जाना, झोंका आ जाना. हवा का झोंका आया और उसने आम के पेड़ को हिला दिया. A loud thud made the rabbit jump to its feet. अब रैबिट जो उसके नीचे सोया था, एक ठक की आवाज आई और रैबिट जो है वो फटाफट उठ के खड़ा हो गया. The poor rabbit always had nightmares. अब nightmares क्या होता है? रात को जब हमें डरावने सपने आते हैं ना, उसको nightmares बोलते हैं. तो ये खरगोश के में भी यही था कि इसको रात को nightmares डरावने सपने आते थे. And often believe in evil spirit. और उसका मन था कि बुरी आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होता है, ये सब वो सोच रहा था. This time the rabbit was sure something ominous was happening. इस बार उसको पक्का यकीन था कि कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है. अमीनी से नहीं, बुरा हो जाना, कुछ बुरा हुआ. ओ हेल, उसने सोचा ओ हेल यानी कितनी बड़ी बात हो गई. He looked around but found nothing. उसने यहाँ वहाँ देखा पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया. The rabbit thought that the sky must be falling. अब उसके दिमाग में ये बात आ गई कि आसमान गिर रहा है. Without any delay, बिना कुछ सोचे, he began to run. He began running. वो भागना शुरू कर दिया. Run, run, he screamed as he ran, warning anyone who would land near, the sky is falling, run. और वो भागता हुआ चिल्लाते हुए, screaming का मतलब होता है चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाता हुआ हर किसी को बोल रहा था कि भागो, आसमान गिर रहा है. On his way, the rabbit ran into a deer. Ran का मतलब होता है जब हम भागते हुए किसी में टकरा जाते हैं, किसी से टकरा जाना. तो rabbit जो है भागता हुआ किससे टकराया? हिरन से जा टकराया. When the deer saw the shaking up rabbit, she couldn't help asking, "What is the matter, rabbit?" The rabbit huffed and puffed, and he was out of breath before answering the deer. अब जब वो हिरन के जाके टकरा गया, तो हिरन ने देखा भी खरगोश कांप रहा है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने पूछ लिया कि "What is the matter? क्या का बात है? आप तुम ऐसे भाग रहे हो?" The rabbit huffed and puffed, यानी सांस का फूलन. ऐसे सांस लेते हैं ना हम, उसको huffed and puffed बोलते हैं. तो अपनी ब्रीथ कंट्रोल करते हुए उसने आंसर दिया, द स्काई इज फॉलिंग डाउन, रन, भी आसमान नीचे गिर रहा है, भागो. द रैबिट टोल्ड द डियर एंड कंटिन्यूड रनिंग. और इस तरह उसने हिरन को बताया और फिर भागना शुरू कर दिया. द डियर सून फॉलोड ऑन देयर वे, दे रन इनटू येट अनदर एनिमल्स. और इस तरह वो दोनों भागते चले गए और भागते हुए कई जानवरों से वो टकराए. This time it was a deer. जब जिससे जाके टकराया वो क्या था? जिराफ था, एक बड़ा सारा जिराफ. When he looked at the frightened rabbit and deer, the giraffe also asked the same question as the deer. और जब उसने देखा कि खरगोश और हिरन दोनों डरे हुए हैं, तो जिराफ ने उनसे वही क्वेश्चन पूछा. कौन सा क्वेश्चन पूछा था? कि क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो? The rabbit repeated his warning and continued running. खरगोश ने फिर वही कहा कि the sky is falling down, so I am running. As fast as his tiny feet could carry him. इतनी तेज भाग रहा था जितना कि उसके छोटे-छोटे पैर उसको भगाकर ले जाते. Soon many other animals had started following the rabbit. और इस तरह कई जानवर उस खरगोश के पीछे भागना शुरू कर दिया. The rabbit had run into many animals in the jungle when he was trying to run away. वो बहुत सारे जानवरों के साथ अपने साथ जंगल में लेके भागना शुरू कर दिया उसने. Run everyone for your life. The sky is falling down. The rabbit continued repeatedly. अब जो खरगोश था वो बार बार ये रिपीट कर रहा था कि अगर अपनी जान बचानी है तो भागो क्योंकि आसमान गिरने वाला है. Meanwhile, a lion has taken opportunity of the beautiful day to sleep soundly. थोड़े टाइम में क्या हुआ, शेर जंगल का राजा था, शेर बहुत अच्छा दिन था तो उसने सोचा मैं आज आराम से
सो जाता हूँ, तो वो सोया पड़ा था। ऑल द स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग अवेकेंड द लायन एंड पुट हिम इन अ बैड मूड। वो आराम से सो रहा था। अब देखो हम लोग सो रहे हैं, कोई चिल्लाएगा शोर करेगा तो हमें भी बुरा लगता है, शेर को भी बुरा लगा। वो आराम से सो रहा था, इतना शोर इतनी चिल्लाहट क्यों हो रही है उसे समझ नहीं आ रहा था, तो उठ गया और उसका मूड खराब हो गया। द लायन केम आउट ऑफ द डेन टू सी व्हाट द कम्युनिकेशन कमोशन वॉज अबाउट। तो जब वो आया उसने बाहर आकर अपनी गुफा से बाहर आकर देखा कि जो कमोशन है, कमोशन का मतलब है शोर शराबा, किस चीज़ का हो रहा है। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड अ होर्ड ऑफ वेरियस एनिमल्स रनिंग माइंडलेसली। होर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स, ग्रुप ऑफ समथिंग, उसको होर्ड बोलते हैं। तो वो देख कर वो हैरान हो गया। स्टॉप रोड द लायन, तो उसने कहा रुक जाओ। एट वंस ऑल द एनिमल केम टू अ सडन स्टॉप, अचानक सारे जानवर रुक गए। वॉट इज द मैटर विद यू ऑल, वाई आर यू रनिंग, तुम्हारे साथ क्या तकलीफ है, तुम क्यों भाग रहे हो सारे। द लायन इंक्वायर्ड, लायन ने जानकारी ली। द स्काई इज फॉलिंग, द रैबिट आंसर, तो अब खरगोश ने कहा कि आसमान गिर रहा है। स्टिल शेकिंग विद फ्राइट, अभी भी वो कांप रहा था डर के मारे और बोल रहा था। आई सजेस्ट यू टू रन फॉर योर लाइफ, तो उसने कहा कि तुम भी भागो, अगर अपनी जान बचानी है ना तुम भी भागो क्योंकि आसमान गिर रहा है। द लायन कुड नॉट स्टॉप हिज लाफ्टर आफ्टर हियरिंग सच अ रेडिकुलस थिंग, ऐसी अजीब सी बात सुनकर जो शेर था उसकी हंसी नहीं रुक रही कि वो हंसते चला गया। ही लाफ्ड एंड लाफ्ड, ही लाफ्ड एंड द टीयर्स कम आउट ऑफ हिज आईज, वो इतना हंसा कि उसकी आंखों से पानी आना शुरू हो गया। द स्काई इज फॉलिंग डाउन यू से, हु हैज सीन इट टेल मी, द लायन आस्क, एवरीवन स्टार्टेड आस्किंग अराउंड, आसमान गिर रहा है किसने देखा, बताओ मुझे किसने देखा आसमान को गिरते हुए। तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, किसने कहा पूछने लग गए। Soon all the eyes landed on the rabbit, और फिर सबने देखा कि खरगोश ने ये बात शुरू की थी, तो सब खरगोश की तरफ देखने लग गए। As he won one who started running, तो यही वो पहला इंसान था, सबसे पहला जानवर था जो भागा था। A piece of the fallen sky is lying under the beneath the mango tree, तो उसने कहा कि आसमान का जो टुकड़ा गिरा है वहाँ आम के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, जाके देख लो। द रैबिट इन्फॉर्म द अदर्स, तो रैबिट ने सबको कहा कि देखो वहाँ पर। At once everyone ran to the mango tree to look at the fallen piece of the sky for themselves. तो सारे देखने चले गए कि मैंगो ट्री का जो टुकड़ा वो कैसा है, मतलब आसमान का टुकड़ा जो गिरा है वो किस तरह का है। They found that the fallen piece of sky was nothing but a mango that fall from the tree. वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा कि जो आसमान से टुकड़ा गिरा है वो कुछ और नहीं बल्कि एक आम है, पका हुआ बड़ा सारा आम। Is this the fallen piece of sky you were talking about? The lion asked the rabbit, pointing the mango. तो आम की तरफ इशारा करते हुए शेर ने पूछा कि ये है आसमान का टुकड़ा जो तुम बोल रहे थे ऊपर से गिर रहा है। The rabbit realized he had made a grave mistake. अब उसे समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। The rabbit said, when I was sleeping under the tree, I was dreaming of the sky. उसने कहा कि जब मैं पेड़ के नीचे सो रहा था तो मैं आसमान के बारे में सपना देख रहा था। A loud thud made me jump to my feet. एक जोर से आवाज आई जिसकी वजह से मैं डर के उठ गया। आई वॉज स्केयर्ड एंड थॉट द स्काई वॉज फॉलिंग डाउन, मैं डर गया और डर के मैंने सोचा कि आसमान ही नीचे गिर रहा है, इसलिए मैं डर के मारे भाग निकला। यू फुलिश रैबिट मेड एवरीवन रन अराउंड व्हेन यू योरसेल्फ वेयर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इट वॉज, द लायन आस्क्ड द रैबिट। उसने कहा मूर्ख खरगोश, जब तुम्हें खुद नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं, तुमने सबको अपने पीछे लगा लिया गलत बात बोलकर। देन ही टर्न टू द अदर एनिमल्स, फिर जो शेर था वो दूसरे जानवरों की तरफ देखा। दिस इज वॉट यू गेट फॉर ब्लाइंड फॉलोइंग अदर्स, ये होता है जब हम किसी पे यकीन करके उसके पीछे वो जो बोलता है वो बात को सच मान के चल पड़ते हैं। लेटर ऑल द एनिमल डिस्पर्स एंड वेंट एज दे यूजुअली डिड, फिर क्या हुआ, तो ऐसी बातों में थोड़े जानवर यहाँ थोड़े वहाँ यहाँ वहाँ सारे जानवर यहाँ वहाँ चले गए। द रैबिट नेवर रिपीटेड द सेम मिस्टेक अगेन, फिर खरगोश ने दोबारा वो रिपीट कभी भी नहीं किया। तो आज क्वेश्चन आंसर्स एंड टिक द करेक्ट आप करके भेजोगे मुझे। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।